Ich hätte gerne ein Käsebrötchen. Eins. Ja, was noch? Nee, eine ohne. Ja. Ohne? Ja, ohne. Schön. Assalamu alaikum and welcome back to my channel. I hope आप सब ठीक होंगे. मैं भी शुक्र अल्लाह का ठीक हूँ. और आज यहाँ मैं सुबह सुबह जो है बेकरी आई हुई हूँ. मैंने तो ब्रेकफास्ट कर लिया हुआ था बट इज़ना जो है बहुत ही पिकी ईटर है, तो इस वजह से मैंने सोचा कि उसको बाहर से कुछ लेके दे देती हूँ मैं. साथ मुझे बैंक में भी कुछ काम था तो मैं बैंक चली गई. वहाँ पर मुझे लेकिन कस्टमर सर्विस चाहिए था जो कि उस वक्त मौजूद नहीं था, तो मैंने कहा कि मैं दूसरे बैंक जाके देखती हूँ. तो मैं फिर दूसरे बैंक गई तो वहाँ पे भी मैंने देखा कि अभी इस वक्त जो है कोई भी कस्टमर सर्विस अवेलेबल नहीं है. उसके लिए मुझे आधा घंटा जो है वो वेट करना पड़ेगा. तो मैंने सोचा कि उतनी देर जो है मैं शॉपिंग करने चली जाती हूँ. ये जो कल का दिन था ये ऑफिशियली जो है वो लास्ट गर्मियों का दिन था इस साल का, क्योंकि 27 डिग्रीज थे और आज सुबह से जो है बारिश हो रही है और टेम्परेचर भी इतना डाउन चला गया है. आज आई थिंक अभी 14 डिग्रीज होंगे. तो मैंने सोचा कि मैं इज़ना के लिए अच्छे से गर्म ड्रेसेस देख लेती हूँ. उसके लिए मैं आई हुई हूँ टीके मैक्स शॉप पे. आई नो मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि न्यूयॉर्कर मेरी फेवरेट शॉप है, बट टीके मैक्स जो है वो मेरी उससे भी ज़्यादा फेवरेट शॉप है, क्योंकि यहाँ पे आपको ब्रांडेड से लेके नो नेम जो अच्छी चीज़ें हैं वो भी मिलेंगी और सारी जो चीज़ें हैं वो अच्छी प्राइस में मिलेंगी. एक्चुअली मैंने इज़ना के ड्रेसेस जो है वो ऑनलाइन ऑर्डर किए थे, बट इस बार मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा सा बैड रहा, क्योंकि एक तो साइज़ जो है वो छोटा आया, दूसरा ये कि जो कपड़े मैंने ऑर्डर किए थे मैंने स्पेशली जो है वो सर्च किए थे फॉर ये ऑटम और विंटर, बट वो स्टफ़ जो है वो काफ़ी लाइट था, काफ़ी थिन स्टफ़ था. तो मैंने कहा कि ये तो स्प्रिंग वाले मौसम के लिए सही रहता है, ज़्यादा सर्दियों के लिए कपड़े मुनासिब नहीं है. तो इस वजह से फिर मैं यहाँ पे ठीक है मैक्स पे आई हुई हूँ. मैं जब भी अपने पेरेंट्स की तरफ आती हूँ तो मेरी ये कोशिश होती है कि मैं इस शॉप पर लाजमी जाऊँ, क्योंकि ये वाली शॉप जो है जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ पर अवेलेबल नहीं है. वैसे ये बात जो है मेरे लिए काफ़ी सरप्राइजिंग थी, क्योंकि जहाँ पे हम लोग रहते हैं पास में एक बहुत बड़ा सिटी है जहाँ पे हम लोग शॉपिंग करने जाते हैं, और वहाँ पे मुझे था कि एटलीस्ट उधर तो ये वाली शॉप जो है होनी चाहिए, बट पता नहीं क्यों वहाँ पे अभी तक ये शॉप है नहीं. तो मैंने सोचा आजकल मैं जो यहाँ पे चीज़ें आई हुई हैं मैं वो आपको दिखा देती हूँ, साथ उसके प्राइजेस भी बता देती हूँ, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि बंदा जो है वो टाइम नहीं निकाल पाता, या बच्चों में बिज़ी है या फिर जॉब में बिज़ी है. एंड समटाइम्स ये भी होता है कि बंदा जो है वो टाइम निकाल लेता है और शॉप पे जाता है और वहाँ पे कोई चीज़ पसंद नहीं आती और फिर बंदा सोचता है कि फजूल में जो है चक्कर लग गया. तो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को ऑनलाइन घर बैठे दिखा देती हूँ कि यहाँ पे क्या मिलता है. तो अगर आपको कुछ अच्छा लगे तो आप जाके ज़रूर लें. तो यहाँ पर मैं सेल वाले सेक्शन पर आई हुई हूँ और यहाँ पर ये जो फैंसी ड्रेस है ये 30 यूरो से 25 यूरो का लगा हुआ है. ये एक 3-पीस सूट लगा हुआ है, एक शर्ट है, साथ स्कर्ट है और उसके साथ उन्होंने बहुत प्यारे से क्लिप्स, मैचिंग क्लिप्स जो है वो दिए हुए हैं, और ये पूरा सेट जो है ये 9 यूरो का है. अच्छा ठीक है, मैक्स पे इस तरह के काफ़ी ज़्यादा सर्दियों के कपड़े आए हुए हैं, जिसमें ये एक बहुत प्यारा सा ऊपर फ्रॉक है, नीचे लेगिंग्स हैं और साथ जो है वो कैप है, या फिर साथ उन्होंने बैग दिया हुआ है, या जैसे पहले वाले में क्लिप्स थे. तो मतलब लेकिन हैं सारे 3-पीस और ये इनकी रेंज थी 25 यूरो. इनमें से चंद जो हैं वो सेल पे लगे हुए थे 15 यूरो के. अच्छा, इनकी मार्केट में ये एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ आई हुई है कि बहुत फैंसी सी फ्रॉक है और उसके ऊपर बहुत ही प्यारा विंटर के लिए अपर है, कोट सा है. यहाँ पे भी एक बहुत प्यारा ड्रेस लगा हुआ है, ये भी 3-पीस ही था, स्कर्ट है, ऊपर जर्सी है, उसके ऊपर वेस्ट है. हाँ सच, ऊपर ये कैप भी है, तो 3 तो नहीं 4 पीस हो गया, बट मुझे ये बहुत अच्छा लगा. लेकिन मैंने ये गलती की कि मैंने ये वापस हैंग कर दिया था और मामा जब आई तो मैं उन्हें दिखाने लगी, तब तक जो है ये निकल गया. मैंने बहुत ढूंढा बट नहीं मिला मुझे. था वैसे ये एक्सपेंसिव भी, 30 यूरो का था. शायद ये रीज़न थी कि मैं थोड़ी सी कंफ्यूज थी और मैंने ये वापस रख दिया. अच्छा वैसे अगर आपने किसी को गिफ्ट देना हो, अगर आप किसी का बेबी देखने जा रहे हो, तो फिर ये सबसे बेस्ट शॉप रहती है मेरे नज़दीक. यहाँ पर ये भी है कि बहुत ज़्यादा एक तो ऑप्शंस मिलते हैं, दूसरा ये कि ये नहीं होता कि शर्ट पहले ढूंढो उसके साथ कोई आप ट्राउज़र मैच करो. यहाँ पर पहले से जैसे मैंने आपको दिखाया है कि 2-पीस 3-पीस सारा कुछ मैच करके उन्होंने रखा होता है. कुछ तो उन्होंने अच्छे से पैक भी किए होते हैं, बंदा ऐसे ही जो है वो एज अ गिफ्ट दे सकता है. तो इस वजह से ये शॉप जो है गिफ्ट्स के लिए तो बहुत ही बेस्ट रहती है. तो यहाँ पे एक सेक्शन है जिसपे नाइट सूट जो है वो सेल पे लगे हुए थे और वैसे सारे जो साइजेस हैं थोड़े से बड़े थे,
बट यहाँ पे एक जो है नाइट सूट मुझे मिला इज़ना के साइज़ का, तो ये लगा हुआ था, 3 पीस था। शर्ट और ट्राउज़र के साथ उन्होंने ये सॉक्स का पेयर भी दिया हुआ था, और ये था टोटल जो है 10 यूरो का। वहाँ इतने प्यारे प्यारे ड्रेसेस मिलते हैं कि मैं सारे एक एक करके तो आपको नहीं दिखा सकी। ऊपर से ये भी था कि मैं अकेली आई हुई थी शॉप पे, तो साथ मुझे इज़ना को देखना था, साथ मैंने व्लॉगिंग करनी थी, तो मैंने थोड़ा सा जो है वो इस तरह करके आपको दिखा दिए, कपड़े भी दिखा दिए, साथ ये एसेसरीज़ भी यहाँ पर लगी हुई हैं, जैसे ये बहुत प्यारे क्लिप्स थे 7 यूरो के लगे हुए हैं। साथ सर्दियों के लिए उन्होंने कैप्स भी लगाई हुई हैं, ग्लव्स भी हैं, ये जैसे एक कैप और ग्लव्स का सेट है, ये 7 यूरो का है। और पीछे एक छोटा सा सेक्शन है जिसमें कॉस्ट्यूम्स पड़े हुए हैं, और ये हर प्रिंसेस का जो कॉस्ट्यूम है यहाँ पे लगा हुआ है, तो मैंने कहा कि ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ, इसमें देखते हैं कि प्राइस इनकी क्या है। तो मैंने एक ड्रेस पकड़ के ही उसकी प्राइस जो है वो चेक की है, तो ये ड्रेसेस की रेंज जो है ये है अराउंड 30 यूरो के ड्रेसेस। तो ये जर्मन्स के तो काफ़ी इस तरह के ओकेजन आ रहे हैं जिन पर ये ड्रेसेस जो हैं वो यूज़ हो जाते हैं, जैसे अब आगे हेलोवीन आ रहा है या फिर उसके बाद कार्निवल आ रहा है, तो इन पर ये ड्रेसेस जो हैं वो काफ़ी काम आते हैं। वैसे ये वाले ड्रेसेस जो हैं इनमें सिर्फ बड़े साइज अवेलेबल थे, तो सिर्फ एक छोटा सा ड्रेस मुझे नज़र आया जो बेबी गर्ल्स के लिए है, तो मैंने कहा ये भी मैं आपको दिखा दूँ। तो ये मैंने आपको ड्रेसेस जो हैं वो दिखा दी हैं, उसके बाद फिर मैं इस ना को बुक्स वाले डिपार्टमेंट में ले गई हूँ। अच्छा, मे बी आपने नोट किया हो, मैंने इस अपनी वीडियो पे कोई भी जो है वो बैकग्राउंड म्यूज़िक नहीं लगाया, मैंने जो वीडियो का ओरिजिनल साउंड है मैंने वो ऑन रहने दिए। इस तरह से मुझे लगता है कि वीडियो थोड़ी सी जो है वो ओरिजिनल सी लगती है, आई डोंट नो, बट मैंने कहा कि थोड़ा सा मेरी वीडियोस में भी चेंज आए। तो यहाँ पे हम लोग बुक सेक्शन पे आ गए हुए हैं, और यहाँ पे इतनी वैराइटीज़ में बुक मिल रही थी कि मैं तो हैरान हो गई थी कि ये किस किस तरह की बुक्स आ गई हुई हैं मार्केट में। जैसे ये वाली बुक जो है, इस पर एक बटन था कि यहाँ पे प्रेस करें तो ये लाइट्स ऑन होती हैं, तो ये क्रिसमस की बुक थी, तो साथ इसमें म्यूज़िक भी था, सॉन्ग्स भी थे। तो यहाँ पे एक प्रिंसेस वाली बुक थी, इसमें भी म्यूज़िक था। जैसे यहाँ पे एक कार्स वाली बुक है, साथ उन्होंने लेगो भी दिए हुए थे, उसके अंदर ही थे कि आप जो है वो कार्स जो है रीबिल्ड कर सकें। तो यहाँ पे इज़ना को सरप्राइज़ मिला उसकी खाला से, जो कि अभी स्कूल से उनकी छुट्टी हुई थी, तो वो डायरेक्ट यहाँ मार्केट में आ गई, उन्हें पता चला इज़ना आई हुई है। अच्छा, इज़ना का बर्थडे नहीं है, आप ये ना समझना कि सबने बर्थडे सॉन्ग गाया है, तो इज़ना का बर्थडे या किसी का बर्थडे है ऐसा कुछ भी नहीं है, बट इज़ना को ये सॉन्ग जो है बहुत पसंद है। एक उसका क्या कहते हैं टॉय था जिसके अंदर से ये म्यूज़िक निकलता है हैप्पी बर्थडे, तो तब से उसने ये गाना जो है वो शुरू किया है, और अपनी कज़न्स को देख के तो बहुत ज़्यादा गाती है, क्योंकि वो सब उसके साथ मिलके ये सॉन्ग जो है वो सिंग करते हैं। यहाँ से मैं दोबारा से अपना वॉइस ओवर स्टार्ट कर लेती हूँ। ये साउंड जो है पत्तों पे चलने का मुझे बहुत पसंद है, इस वजह से मैंने इस पे कोई वॉइस ओवर नहीं किया। तो ये रहा मेरा आज का शॉपिंग व्लॉग, आपको ये आइडिया कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको पसंद आया है तो इंशाल्लाह मैं आगे भी इस तरह की वीडियोज़ जो है वो आपके लिए शॉप्स में जाके चीज़ें जो है कैप्चर कर सकती हूँ, आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। बाकी मुझे अपने सारे व्यूअर्स को थैंक यू बोलना है, जो जो कॉमेंट करता है उसको थैंक यू, क्योंकि आपके कॉमेंट्स से मुझे इतनी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। आपको इस बात का आइडिया नहीं होगा, क्योंकि आजकल मेरी वीडियोस पे थोड़ा सा इशू हो रहा है यूट्यूब की तरफ से, मेरे व्यूज़ जो हैं वो काउंट नहीं हो रहे, या फिर काफ़ी वीडियोस पे जो हैं वो व्यूज़ डाउन चले गए हैं। बस इसी वजह से जो है एक दूसरे को बस मोटिवेट करते रहें और सपोर्ट करते रहें, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है इस बात से। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें, इस तरह से मेरी आइंदा आने वाली वीडियोज़ भी आपको शो होती रहेंगी। और लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।